ओके तो आजा मेरे सूट, इसको मैं पहनता हूँ चली सही, और मैं बन जाऊंगा ज़ॉम्बी आयरन मैन। ओके पहनो पहनो पहनो, मैं ज़ॉम्बी आयरन मैन बन के मजा आ गया। हाँ सिंचर मैं देख रहा हूँ, पर सिंचर मुझे बहुत डर लग रहा है यार, इस ज़ॉम्बी आयरन मैन सूट के चक्कर में कहीं तू असली का ज़ॉम्बी ना बन जाए। तुम बस ये बताओ कि आखिरकार तुमने मेरा सूट चुराया क्यों? तुम पक्का सोनी स्टार्क नहीं हो, तुम कोई और ही हो। मैं ये सूट चुरा कर कहीं दूर जाकर इसे तबाह करने वाला था ही। तो आखिरकार तुमने पता लगा लिया कि मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ। अरे यार जोकर, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों पकड़ के रखा है? छोड़ो मुझे, अगर मेरे एवेंजर्स को पता चलेगा ना कि तुमने मुझे किडनैप किया तो तुम्हें छोड़ेंगे ना ही। तुम्हारे एवेंजर्स को तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम किडनैप हो चुके हो टोनी स्टार्क, क्योंकि तुम्हारी जगह आयरन मैन बनकर वहाँ पर कोई और ही गया है। और क्या कहा, मतलब कि तुमने मेरा डुप्लीकेट आयरन मैन बनाकर एवेंजर्स की टीम में भेज दिया? बिल्कुल सही कहा, वो डुप्लीकेट आयरन मैन मेरा भाई है, और तुम बस देख लेना कि एवेंजर्स से बदला हम कैसे लेते हैं। लास्ट टाइम तुम एवेंजर्स ने मुझे और मेरे भाई को इस शहर में कब्जा करने से रोक दिया था ना। पर अभी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि एवेंजर्स के सबसे इंटेलिजेंट मेंबर को मैंने किडनैप कर लिया है। अब उनको पता भी चलेगा कब मेरा भाई सारे एवेंजर्स को खत्म कर देगा। अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, पता नहीं एवेंजर्स मेरे बिना क्या करेंगे अगर डुप्लीकेट आयरन मैन ने सबको मार दिया तो। ओ नो, मुझे कुछ भी करके जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मुझे कुछ करना होगा। अरे यार पता नहीं समझ समय मुझे क्या काम दे दिया, मुझे साफ सफाई करनी पड़ रही है यहाँ पर। अरे स्पाइडरमैन ठीक से काम करो, मैं सब देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ मैं कैसे काम कर रहे हो तुम। हाँ हाँ अच्छे से करो चेक, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। ये साफ सफाई का काम भी कितना बोरिंग का काम है, मैं क्या करूँ? ओके तो स्पाइडरमैन को मैंने साफ सफाई करने दे दिए, और हल को मैंने झाड़ू लगाने बोला था। अरे हल तुम वहाँ के करो, और तुम क्या उठा रहे हो, मैं तुम्हें झाड़ू लगाने का कहा था ना। हल कभी छोटे मोटे काम नहीं करता, हल एक्सरसाइज कर रहा है, और हल झाड़ू नहीं लगाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है, आगे कोई नहीं चलेगा चलेगा। अरे डॉक्टर साहब क्या चलेगा, हल ने मना कर दिया तो तुम्हें ठीक है कहा, और जब मैंने कहा कि मैं पोछा नहीं लगाऊंगा तो तुमने कहा लगाना पड़ेगा, वरना तुम मुझे मेरी सैलरी नहीं दोगे। अबे स्पाइडरमैन तुम्हें तो मैं मना कर सकता हूँ, पर अगर हल को मैंने मना किया तो वो मुझे फोड़ लेगा ना। मतलब क्यों डरते हो हल से? अरे नहीं नहीं मैं किसी से भी नहीं डरता। अरे डम 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 डमरू बचाया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अरे गधे के बच्चे डेडपूल, तू का ये डमरू बचा रहा है, मैंने तुझे टॉयलेट की साफ सफाई करने के लिए कहा था ना। अरे क्या डॉक्टर सर, टॉयलेट की साफ सफाई कौन करता है, मैं नहीं करूंगा, बहुत गंदा है यहाँ पे, जो मैं बोलूँ सबको करना पड़ता है, जाके जल्दी से कर गया। अरे यार कहाँ फंस गया, सबके सब काम चोर है यहाँ पर, काम चोर गई के क्या, काम चोर किसे का। अरे तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं हल्क, तुम्हें नहीं, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। आया बड़ा डॉक्टर सर बहुत बुरा है, मुझे टॉयलेट की साफ सफाई नहीं करनी है, मैं टॉयलेट की साफ सफाई नहीं करूंगा। डेडपूल तो छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। सच में यार हमारे एवेंजर्स की टीम में सबके सब नमूने भरे पड़े हैं। और वैसे आयरन तुम्हें क्या हो गया, तुम आज इतने शांत शांत क्यों हो? अरे यार हाँ आयरन आज तक मुझे ज्यादा ही चुप हो, क्यों क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है क्या? मुझे तो ये लगता है कि आयरन मैन को झाड़ू लगाने गए, और बेचारे आयरन मैन का काम मैंने ले लिया, इसलिए आयरन मैन दुखी हो गया बेचारा। अबे गधे का बच्चा तू चुप रहे और अपना काम कर। अरे यार यहाँ पे तो मेरे कोई इज्जत ही नहीं है, सबके सब मुझे नफरत करते हैं। वैसे बताओ ना आयरन मैन क्या हो गया, आज तुम इतने चुप चुप क्यों हो? अरे नहीं दोस्तों ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं तुम सबके साथ हूँ। अरे यार सूरज कौन सी दिशा से उग गया, आयरन मैन इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहा है? अरे मैं तो हमेशा ही अच्छी बातें करता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। एक मिनट, क्या मैं सही सुन रहा हूँ, आयरन मैन ने हमें दोस्त कहा? यार इतना घमंडी इंसान आखिरकार इतना अच्छा कैसे बोलने लग गया? अरे क्या कहा मैं घमंडी, अरे नहीं 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 मैं घमंडी तो बिल्कुल नहीं हूँ यार, तुम सब के सब मेरे अच्छे दोस्तों भी बहुत अच्छे दोस्त। मुझे दाल में कुछ ना कुछ काला लग रहा है। और मुझे पूरी ताली काली लग रही है, अभी तो चुप करो तो काम करना। अरे हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे बोल नहीं देता है यार, कहीं इनको मुझ पर शक तो नहीं होने लग गया। क्या तुमने कुछ कहा क्या आयरन मैन? अरे अरे नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। पर मुझे तो कुछ सुनाई दिया, शक शक होनी तो हो गया ऐसा कुछ। लगता है कि आयरन मैन को बुखार हो गया है। अरे तो फिर तुम्हें आराम करना चाहिए आयरन मैन, वेनम तो कहता है कि हमेशा आराम करो। अरे हाँ तुमने सही कहा, मुझे आराम ही करना चाहिए। ओके दोस्तों बाय बाय, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ, तब तक तुम संभाल लेना होगा सारे काम। ओके मैं आराम करने जा रहा हूँ, भागो 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 ऐसे। अरे यार बार बार बच गया, इन लोग तो मुझे शक हो ही गया था, अगर मैं वहाँ से सही टाइम पर बाहर नहीं निकलता तो पक्का ये लोग मुझे पकड़ लेते, और इनको पता चल जाता कि मैं असली आयरन मैन नहीं हूँ। पर चलो थैंक गॉड मैं बच गया। आज आयरन मैन कुछ अलग अलग लग रहा था, पता नहीं क्या हो गया उसको, लगता है कि आयरन मैन बहुत सैड था। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो लग रहा था कि वो बहुत ही दुखी था। अरे घनचक्कड़ों सैड और दुखी का मतलब एक ही होता है। वैसे मुझे तो लग रहा था
ही नहीं बल्कि वो सूट के अंदर कोई और ही था। यस स्पाइडरमैन तो सुधरेगा नहीं ना, हजार बार बोलते को ये सब बातों पे ध्यान मत दे, अपने काम कर। आया बड़ा शर्लक होम्स, बड़ा दिमाग चला रहा है अपना। हाँ कर रहा मैं अपने काम, मेरी बातों को सुनता ही नहीं है, मुझे तो वो फेक करे मिल लगा तो मैंने कहा पता नहीं कि मेरा क्या होने वाला है। ये स्पाइडरमैन तो एक नंबर का काम चोर है। तो चलो आखिरकार मेरे भाई जोकर के लिए मुझे वो ज़ॉम्बी वायरस बनाने का टाइम आ चुका है। एवेंजर्स की खुफिया लैब में बनाऊंगा ज़ॉम्बी वायरस और उन्हें पता नहीं चलेगा। उनके नाक के नीचे ही मैं ज़ॉम्बी वायरस बनाकर इस पूरे शहर में कब्जा कर लूंगा मेरे भाई जोकर के साथ। मजा आ गया। तो फिर चलो नकली आर्यमैन ज़ॉम्बी वायरस बनाना शुरू करो। तुम फिक्र मत करो मेरे जोकर भाई, हम इस बार दुनिया पर राज करके रहेंगे और इस बार ये एवेंजर्स भी हमें नहीं पकड़ पाएंगे। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, मैं कैसे तैसे करके उस ज़ॉम्बी आयरनमैन सूट से तो बाहर निकल गया है, पर पता नहीं उस सूट से बाहर निकलते ही ये मुझे क्या हो गया है। मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है और मेरे चारों तरफ ये लाल लाल क्या घूम रहा है। अरे बाप रे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। कहीं वो ज़ॉम्बी सूट पहनने के बाद मैं कहीं ज़ॉम्बी में तो नहीं बदल रहा हूं। नहीं 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 यार, मुझे ज़ॉम्बी नहीं बनना है, मुझे इतने ज़ॉम्बी नहीं बनना है। मेरी तो अब तो शादी भी नहीं हुई है नैने को दीदी, मैं क्या करूंगा। फेंके भैया मुझे बचाओ, मुझे वो ज़ॉम्बी आयरनमैन सूट नहीं पहनना चाहिए था, मैं तो ज़ॉम्बी में बदल रहा हूं। मुझे बचाओ फेंके भैया, मैं ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहता है। यार पता नहीं कि मेरा आगे क्या होगा, मुझे कोई बचाओ यार। ये सब उस नकली आयरनमैन की वजह से हो रहा है, मुझे उसे पहले पकड़ लेना चाहिए था। पक्का उसे ज़ॉम्बी आयरनमैन के सूट के अंदर ज़ॉम्बी वायरस वाला होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यार पता नहीं मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, लगता है कि मैं मरने वाला हूं। यार कोई तो बचाओ मेरे फेंके भैया, मेरे फेंके भैया कहां हो फेंके भैया। अरे यार मेरे मैसेंजर का है तू, यार सिंचर मेरे भाई। अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा मैसेंजर आगे कहां जा सकता है। मैंने इस शहर के चारों तरफ ढूंढ लिया पर अब तक मेरा मैसेंजर मुझे नहीं मिल रहा। यार पता नहीं कि मेरा मैसेंजर भी कैसा होगा, कहीं वो ठीक तो होगा ना। ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं उसे ज़ॉम्बी आयरनमैन का सूट पहने देता ही नहीं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ठीक ज़ॉम्बी आयरनमैन का सूट पहने के बाद मैसेंजर गायब हो गया और मुझे पता नहीं कि वो कहां चला गया। यार मेरा मैसेंजर कहां है तू। मैंने ये बात आयरनमैन को भी बताई पर उसने कहा कि वो वापस आ जाएगा। यार पर मेरा मैसेंजर अब तक वापस नहीं आया, लगता है मुझे एवेंजर्स के पास जाना होगा और उन्हें सारी बात सच सच पता नहीं होगी। सिंचर मेरे बात चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं बचाने के लिए। वो रहा मेरे सामने एवेंजर्स के हेडक्वार्टर से। ओके चल भाग प्रगत, भाग जल्दी से, भगा गाड़ी को और मैं आ रहा हूं एवेंजर्स। प्लीज मेरे सिंचर को बचा लीजिए। और बाप रे, नहीं नहीं नहीं, ओ मैं बच गया। ओके एवेंजर्स मैं आ रहा हूं। मेरा भाई सिंचर 5 घंटे से गायब है और वो मुझे मिल नहीं रहा। मुझे तो ये लग रहा है कि वो पकड़ सा भी बच चुका होगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए एवेंजर्स। ओके उतर के गाड़ी से एवेंजर्स, प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मेरे भाई सिंचर को ढूंढ लीजिए एवेंजर्स, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए एवेंजर्स। आखिरकार मैंने वापस से ज़ॉम्बी आयरन मैन सूट बना ही लिया। कभी कभी तो लगता है कि टोनी स्टार्क से ज्यादा इंटेलिजेंट तो मैं ही हूँ। अब वक्त आ चुका है ज़ॉम्बी सूट को पहनने का और इस शहर में चारों तरफ ज़ॉम्बी वायरस फैलाने का। ये खबर सुनकर तो मेरा जुड़वा भाई जोकर खुशी हो जाएगा। आली रे आली, अब लॉस एंजेलिस के वासियों तुम्हारी बारी आली। तो चलो पहनता हूँ मैं ज़ॉम्बी सूट को और बन जाता हूँ मैं ज़ॉम्बी आयरन मैन, फिर तो इस शहर में हम राजी राज करेंगे। अरे यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे जल्दी से ये बात एवेंजर्स को पता नहीं होगी वरना पूरा शहर ज़ॉम्बी से बदल जाएगा। वैसे एक मिनट, ये जोकर तो यहाँ से चला गया। अरे हाँ आइडिया, जब तक जोकर यहाँ पर नहीं है मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ। बस एक बार मैं इस घटिया से जगह से निकल जाऊँ और एवेंजर्स को सब बता दूँ तो सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं इन दोनों जोकर भाइयों का प्लान नाकाम कर दूंगा। वैसे पता नहीं ये जोकर गया कहाँ। ओके तो मैंने ऑफिस का सारा काम संभाल लिया है, अब बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा भाई जोकर वो ज़ॉम्बी वायरस को बना ले। और मुझे पूरा यकीन है कि वो ज़ॉम्बी वायरस बना के रहेगा। वैसे ये क्या, ये कार है क्या कोई, चला के देखो क्या देखे बैठता हूँ। अरे वाह, और ऐसे आगे और ऐसे पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। जब तक मैं इस पूरी दुनिया में कब्जा न कर लूं थोड़े मजे करो तो बनता है ना। अरे नहीं वैसे एक मिनट, मैंने आर्मी को अकेला छोड़ दिया, उसे देखता हूँ मैं कहीं वो गधे का बच्चा टोनी स्टार्क कैसे भाग ना गया हो। अरे अरे एक मिनट, अरे क्या ये क्या चला गया, अभी भी तो यही पे था। यार कुछ देर क्या होगी मुझे इसे अकेले छोड़े हुए और ये टोनी स्टार्क का बच्चा मुझे चकमा देके भाग गया। अरे देख क्या नमूना ढूंढो उसे। अरे अरे मेरे चमचे कहाँ चले गए, अरे ये भी गायब हो गए गधे के बच्चे, मुझे इसे जाकर ढूंढना होगा। टोनी स्टार्क गधे के बच्चे भागने का कोई फायदा नहीं है, मैं इसे ढूंढ ही लूंगा। मुझसे बच नहीं पाओगे तुम।
अरे थैंक गॉड, मैं जोको से बचकर भागने में कामयाब हो गया। जोको चला गया यहाँ से। ओके अभी यहाँ पर चलता हूँ। ओके यार यार, मुझे जल्दी से जाकर एवेंजर का सब सच बताना होगा। ये दोनों जोकर भाई बहुत ही खतरनाक है, मुझे कुछ तो कुछ करना होगा। अरे तुम कोने में? मैं तो बस काम कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके करो करो। ओके एवेंजर्स में आ रहा हूँ, मुझे एवेंजर का सब सच बताना होगा। ओके यहाँ से चलता हूँ। ओके बाहर जाने का रास्ता यही कहीं होगा यार, मुझे कोई मिल क्यों नहीं रहा। ओके एवेंजर्स मैं आ रहा हूँ। जोकर तुम दोनों भाइयों का प्लान मैं तमाम करके रहूंगा। मेरे होते हुए तुम दोनों इस शहर में सभी वर्ष नहीं फैला सकते। अरे पूरा बाजने का रास्ता। ओके बैठ जाता हूँ। ओके कर रहा। ओके भाग भाग, एवेंजर्स में आ रहा हूँ। यार यहाँ से तो वो एवेंजर्स का हेडक्वार्टर से बहुत ही दूर है, मुझे चल के यहाँ से जाना होगा। नहीं सर एक मिनट, मेरे पास आयरन के बूट्स है, आई होप कि ये काम कर जाए। ओके तो फिर चल टोनी स्टार्क। ओके काम कर रहा, थैंक गॉड। ओके एवेंजर्स में आ रहा हूँ। तुम्हारे पास अभी जो भी आयरन मैन है वो नकली है, मैं असली आयरन मैन हूँ। वो नकली आयरन मैन टोनी स्टार्क नहीं बल्कि जोकर का भाई है, और वो हमारे एवेंजर्स के लिए ज़ॉम्बी वर्स बना रहा है। मैं आ रहा हूँ, मुझे बात एवेंजर्स से पता नहीं होगी, मैं आ रहा हूँ। जोकर और जोकर के भाई, तुम दोनों आज मुझसे बचने वाले नहीं हो, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ज़ॉम्बी में बदल रहा हूँ। नहीं ये क्या, मेरे एवेंजर्स का क्या हो रहा है, मेरे वो तो चेंज हो रही है। मुझे कोई बचाओ, फ्रैंकल भैया एवेंजर्स, मुझे आपकी जरूरत है। अरे बाप रे, मेरे शरीर से तो बहुत खून निकल रहा है, वो भी अचानक से। ऐसे ही चलता रहा तो मैं धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। अरे कोई तो बचा मुझे, एवेंजर्स फ्रैंकल भैया कहाँ हो? एक काम करता हूँ, मैं पानी के अंदर जाता हूँ, मुझे मरना नहीं है, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। शायद पानी के अंदर जाके मैं ठीक हो जाऊंगा। चलो पानी के अंदर। ओके खून का लेवल कम हुआ। ओके पानी के अंदर तो मैं आ गया, पर खून तो कमी नहीं हो रही, लगता है कि मैं ज़ॉम्बी वायरस बनने वाला हूँ, मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ, बचाओ मुझे फ्रैंकल भैया। मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ, मैं ज़ॉम्बी बन गया, अब इस पूरे शहर को मैं ज़ॉम्बीज़ में बदल दूंगा, मैं हूँ ज़ॉम्बी सिंचैन। फ्रैंकलिन भैया मुझे बचाओ।